हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैनवा डिज़ाइन हिंदी यूट्यूब चैनल। और मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी जो डिज़ाइन है उसमें कैसे आप इस तरीके से गाइड्स, रूलर्स और गाइड्स को ऐड कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे हम टाइम वेस्ट किए बिना ही यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे पहली बार आया है तो सब्सक्राइब जरूर करना और ये वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, क्योंकि आपको मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाने वाला हूँ। ओके, तो सबसे पहले आपको रूलर ऐड करना है। तो रूलर ऐड करने के लिए जो कोई भी पोस्ट पे हो यहाँ पे आप एक बार क्लिक कर लो और यहाँ पर फाइल मेनू दिखाई देगा, यहाँ से आपको रूलर्स पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे आप रूलर्स पे क्लिक कर लेते हो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि रूलर आपको दिखाई दे रही है। अभी आपको जो अंदर आपको गाइड्स को ऐड करना है तो गाइड्स में भी यहाँ पे आप चेक कर लेना, कर लेता हूँ। और यहाँ पे आपको ये रूलर है वहां पे जाने का है और यहाँ से ड्रैग करके एक लाइन को खींच के लाओ। वैसे ही सेम अगर आपको ऊपर से चाहिए तो ऊपर से भी यहाँ पे आप एक लाइन को खींच के ला सकते हो। सेम जितनी भी आपको ऐसे रूलर्स चाहिए, जितनी भी आपको यहाँ पे गाइड्स चाहिए, तो उसी तरीके से आप यहाँ से ड्रैग करके सिंपली आप अपनी जो गाइड्स है यहाँ पे लाके अपने टेक्स्ट को अच्छी तरीके से उतने पोर्शन में डिस्प्ले कर सकते हैं जितनी, और अलाइनमेंट सबसे अच्छी रहे चीज़ तो उसके लिए आप ये यूज़ कर सकते हो। और अगर आपको यहाँ पर कैसे डिटेल में सीखना है, अगर आप नए भी हो तो भी चिंता मत करो। यहाँ पे मैंने मेरे चैनल पे जाके आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में यहाँ पर मैंने कैनवा ट्यूटोरियल्स फॉर बिगनर्स करके एक प्लेलिस्ट बनाई, तो उसे जरूर देख ले ताकि ऐसे नई चीजें आपको सीखने भी मिले और आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। ओके, होप ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहा है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। अगर कोई क्वेश्चन है तो जरूर कमेंट करना, मैं आपको ट्राई करूंगा जल्द से जल्द रिप्लाई देने का, और ऐसे ही लोगों के साथ शेयर जरूर करना ताकि सब लोग सीख पाए। थैंक यू।